हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे सरकार एग्ज़ाम में स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं एजी पीजीआई स्टाफ नर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं, तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट पूछा है, फर्स्ट पॉइंट दिया है मिक्स्ड एबॉर्शन इज आल्सो नोन एज। फ्रेंड्स से पढ़ें और इसका आंसर बताएँ कि मिक्स्ड एबॉर्शन को क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर फ्रेंड ए है, साइलेंट एबॉर्शन। सेकंड पॉइंट दिया है टाइलिन इंज फीज। फ्रेंड्स से पढ़ें और इसका आंसर बताएं क्या होगा। ए है पेनक्रियास, बी है सलाइवा, सी है बाइल एंड डी है गैस्ट्रिक जूस। फ्रेंड्स से पढ़ें और इसका आंसर बताएं। इसका राइट आंसर फ्रेंड बी है। थर्ड पॉइंट दिया है व्हाट इज द टेम्परेचर यूज्ड फॉर ऑटोक्लेविंग। ऑटोक्लेविंग का टेम्परेचर कितना होता है। फ्रेंड्स से पढ़ें और इसका आंसर बताएं क्या होगा। ए दिया है 121 डिग्री सेल्सियस, बी है 130 डिग्री सेल्सियस, सी है 101 डिग्री सेल्सियस एंड डी है 125 डिग्री सेल्सियस। इसका राइट आंसर फ्रेंड ए है, 121 डिग्री सेल्सियस। फोर्थ पॉइंट दिया है साइड इफेक्ट ऑफ हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा वैक्सीन इज। फ्रेंड से पढ़ें और इसका आंसर बताएं। इसमें दिया है कि साइड इफेक्ट ऑफ हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा वैक्सीन इज। इसका राइट आंसर फ्रेंड सी है। फिफ्थ पॉइंट में पूछा है कि चिकन पॉक्स का कॉजटिव ऑर्गेनिज्म क्या होता है। फ्रेंड से पढ़ें और इसका आंसर बताएं क्या होगा। द कॉजटिव ऑर्गेनिज्म फॉर चिकन पॉक्स इन द। इसका राइट आंसर फ्रेंड डी है। सिक्स पॉइंट है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कंटेन कोबाल्ट। कोबाल्ट फ्रेंड जो होता है वो किस विटामिन में पाया जाता है। विटामिन ए, विटामिन बी 12, विटामिन बी 1, विटामिन बी 6। कोबाल्ट किस में होता है। इसका राइट आंसर फ्रेंड बी है, विटामिन बी 12। सेवेंथ पॉइंट है कि प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन द एंटीरियर चैम्बर ऑफ द आई इज कॉल्ड। फ्रेंड से पढ़ें और इसका आंसर बताएं। इसमें दिया है कि प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन द एंटीरियर चैम्बर ऑफ द आई इज कॉल्ड। इसका राइट आंसर फ्रेंड डी है। एट्थ पॉइंट दिया है मेन सिम्टम ऑफ पेमिफिगस। फ्रेंड से पढ़ें और इसका आंसर बताएं। मेन सिम्टम्स ऑफ पेमिफिगस। इसका राइट आंसर फ्रेंड ए है। नाइन्थ पॉइंट दिया है टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन इन न्यू बॉर्न कॉज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस बी बैक्टीरिया। ए है सेप्टिसीमिया, बी है एचआईवी इन्फेक्शन, सी है मलेरिया एंड डी है टाइफाइड फीवर। टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन इन न्यू बॉर्न कॉज बाई स्ट्रेप्टोकोकस बी बैक्टीरिया। इसका राइट आंसर फ्रेंड ए है। टेंथ पॉइंट दिया है नॉर्मल इंट्राओकुलर प्रेशर इज। नॉर्मल इंट्राओकुलर प्रेशर कितना होता है। फ्रेंड से पढ़ें और इसका आंसर बताएं क्या होगा। इसका राइट आंसर फ्रेंड ए है। इलेवेंथ पॉइंट में कह रहा है कि प्रेगनेंसी टाइम में कौन सी ड्रग नहीं दी जानी चाहिए। ड्रग नॉट गिव इन प्रेगनेंसी इज एसी इनहिबिटर, बी है मेथाइल डोपा, सी है लेबिटालोल एंड डी है पेंसिलिन।
कौन सी ड्रग है फ्रेंड जो प्रेगनेंसी टाइम में नहीं दी जानी चाहिए? इसका राइट आंसर फ्रेंड ए है, ACE इनहिबिटर। 12th पॉइंट में कह रहा है विच कॉम्प्लिकेशन ऑफ IV इन्फ्यूजन कैन कॉज पल्मोनरी एडिमा और हार्ट फेलियर? फ्रेंड से पढ़ें और इसका आंसर बताएं। इसमें कह रहा है कि विच कॉम्प्लिकेशन ऑफ IV इन्फ्यूजन कैन कॉज पल्मोनरी एडिमा और हार्ट फेलियर। इसका राइट आंसर फ्रेंड डी है। 13th पॉइंट है विच प्लाज्मा प्रोटीन मेंटेन द ब्लड ऑनकोटिक प्रेशर? फ्रेंड से पढ़ें और इसका आंसर बताएं। विच प्लाज्मा प्रोटीन मेंटेन द ब्लड ऑनकोटिक प्रेशर? इसका राइट आंसर फ्रेंड बी है, एल्बुमिन। 14th पॉइंट दिया है फ्रेंड, इसे पढ़े और इसका आंसर बताएं क्या होगा। ए है बोन मैरो, बी है स्पाइनल कैविटी, सी है मसल्स एंड डी है वेन। इसका राइट आंसर फ्रेंड ए है, बोन मैरो। 15th पॉइंट दिया है हाउ मैनी डेज आफ्टर डिलीवरी आर कंसीडर्ड मैटरनल मॉर्टलिटी? फ्रेंड से पढ़ें और इसका आंसर बताएं। इसमें दिया है हाउ मैनी डेज आफ्टर डिलीवरी आर कंसीडर्ड मैटरनल मॉर्टलिटी? फ्रेंड से पढ़ें और इसका आंसर बताएं क्या होगा। इसका राइट आंसर फ्रेंड सी है, 42 डेज। 16 पॉइंट दिया है द हाइट ऑफ हेल्दी नॉर्मल बेबी इज? फ्रेंड से पढ़ें और इसका आंसर बताएं कि नॉर्मल बेबी की हाइट कितनी होती है, हेल्दी नॉर्मल बेबी की हाइट कितनी होती है? इसका राइट आंसर फ्रेंड सी है। 17 पॉइंट दिया है फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू दैट इज अटैच्ड टू बोन एट द जॉइंट्स इज कॉल्ड? फ्रेंड से पढ़ें और इसका आंसर बताएं। इसमें दिया है कि फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू दैट इज अटैच्ड टू बोन एट द जॉइंट इज कॉल्ड। इसका राइट आंसर बी है। 18 पॉइंट दिया है फॉर आ COPD पेशेंट इन ICU फॉलोइंग इज प्रिपेयर्ड डिवाइस फॉर ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन? फ्रेंड से पढ़ें और इसका आंसर बताएं। इसमें दिया है कि फॉर आ COPD पेशेंट इन ICU फॉलोइंग इज ए प्रेफर्ड डिवाइस फॉर ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन। इसका राइट आंसर फ्रेंड डी है, नेजल कैनुला। 19 पॉइंट दिया है डाई सिल्फिरम इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ? फ्रेंड से पढ़े और इसका आंसर बताएं। इसमें दिया है कि डाइसल्फिरम इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ, ए है मलेरिया, बी है मैनिया एंड सी है अल्कोहलिज्म एंड डी है एड्स। इसका राइट आंसर फ्रेंड सी है, अल्कोहलिज्म। 20 पॉइंट में कह रहा है फ्रेंड कि स्टोराइड जो ड्रग्स होती है वो कब दी जानी चाहिए?
ए है आफ्टरनून, बी है मॉर्निंग एंड सी है इवनिंग एंड डी है एट बेड टाइम। इसका राइट आंसर फ्रेंड बी है मॉर्निंग। 21 पॉइंट दिया है, इन विच ईयर डिड द कंसेप्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ कम इन इंडिया। फ्रेंड से पढ़े और इसका आंसर बताएं। इसमें दिया है कि इन विच ईयर डिड द कंसेप्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ कम इन इंडिया। इसका राइट आंसर फ्रेंड ए है। 22 पॉइंट दिया है, नेशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसी ऑफ इंडिया वॉज लॉन्च्ड इन। इसका राइट आंसर फ्रेंड ए है। 23 पॉइंट है, मेजर्स टेकन टू स्टॉप प्रोग्रेसेस ऑफ डिजीज इज कॉल्ड। फ्रेंड से पढ़े और इसका आंसर बताएं। इसमें दिया है कि मेजर टेकन टू स्टॉप प्रोग्रेसेस ऑफ डिजीज इज कॉल्ड प्राइमरी प्रिवेंशन, बी है सेकेंडरी प्रिवेंशन, सी है टर्शरी प्रिवेंशन एंड डी है ऑल। इसका राइट आंसर फ्रेंड बी है सेकेंडरी प्रिवेंशन। 24 पॉइंट दिया है, देयर आर टू फेज ऑफ डॉट्स प्रोग्राम, द इंटेंसिव फेज कंसिस्ट ऑफ। फ्रेंड से पढ़े और इसका आंसर होता है। इसमें दिया है कि देयर आर टू फेज ऑफ डॉट्स प्रोग्राम, द इंटेंसिव फेज कंसिस्ट ऑफ ए है 4 मंथ, बी है 6 मंथ, सी है 2 मंथ एंड डी है 9 मंथ। इसका राइट आंसर फ्रेंड सी है 2 मंथ। 25 पॉइंट दिया है, रिकमेंडेड प्रोटीन रिक्वायरमेंट ऑफ एन इंडिया एडल्ट। फ्रेंड से पढ़ें और इसका आंसर बताएं। इसमें दिया है कि रिकमेंडेड प्रोटीन रिक्वायरमेंट ऑफ एन इंडियन एडल्ट। इसका राइट आंसर फ्रेंड ए है। 26 पॉइंट में दिया है फ्रेंड, आईसीडीएस प्रोग्राम इज कंडक्ट बाई। फ्रेंड से पढ़ें और इसका आंसर बताएं क्या होगा। इसमें दिया है कि आईसीडीएस प्रोग्राम इज कंडक्ट बाई। इसका राइट आंसर फ्रेंड सी है। 27 पॉइंट है, फ्रेंड से पढ़ें और इसका आंसर बताएं क्या होगा। इसका राइट आंसर फ्रेंड सी है NABH। 28 पॉइंट है, फ्रेंड से पढ़ें और इसका आंसर बताएं। इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंट्रल सप्लाई इन द हॉस्पिटल। फ्रेंड से पढ़े और इसका आंसर बताएं। इसमें दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंट्रल सप्लाई इन द हॉस्पिटल। इसका राइट आंसर फ्रेंड ए है। 29 पॉइंट दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ इट एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड। फ्रेंड से पढ़ें और इसका आंसर होता है। इसमें दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ एपिडेमियोलॉजी। इसका राइट आंसर फ्रेंड सी है। 30 पॉइंट दिया है, इन इंडिया द लिमिट ऑफ बर्थ रजिस्ट्रेशन इज। फ्रेंड से पढ़ें और इसका आंसर बताएं क्या होगा। ये सिंपल से क्वेश्चन है फ्रेंड, इन इंडिया द लिमिट ऑफ बर्थ रजिस्ट्रेशन इज।
इसका राइट आंसर फ्रेंड डी है 21 डेज। 31 पॉइंट दिया है WHORS पैक्ड इन इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। फ्रेंड्स से पढ़े और इसका आंसर बताएं। ORS पैकेट में सभी पाए जाते हैं मगर एक को छोड़ करके। इसका राइट आंसर फ्रेंड ए है कैल्शियम कार्बोनेट। 32 पॉइंट दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बॉडी बिल्डिंग फूड। इसका राइट आंसर फ्रेंड सी है। 33 पॉइंट है इन विच एज ग्रुप द रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन ए इज। फ्रेंड से पढ़ें और इसका आंसर बताएं। इसमें दिया है कि इन विच एज ग्रुप द रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन ए एज। इसका राइट आंसर फ्रेंड डी है। 34 पॉइंट दिया है विच विटामिन हेल्प इन वुंड हीलिंग। वुंड हीलिंग के लिए कौन सा विटामिन हेल्पफुल होता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के एंड विटामिन सी। फ्रेंड से पढ़ें और इसका आंसर बताएं। क्या होगा इसमें पूछा है कि विच विटामिन हेल्प इन वुंड हीलिंग। इसका राइट आंसर फ्रेंड डी है विटामिन सी। 35 पॉइंट दिया है फ्रेंड व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ वेंचुरी मास्क। वेंचुरी मास्क का एडवांटेज क्या है फ्रेंड से पढ़ें और इसका आंसर बताएं क्या होगा। इसका राइट आंसर फ्रेंड डी है। 36 पॉइंट दिया है स्नेल्स चार्ट इज रीड फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ। फ्रेंड से पढ़ें और इसका आंसर बताएं। स्नेह चार्ट इज रीड फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ। ए है 6 फीट, बी है 14 फीट, सी है 20 फीट एंड डी है 24 फीट। इसका राइट आंसर फ्रेंड सी है 20 फीट। अगर फ्रेंड्स आपसे मीटर में पूछता है तो इसका राइट आंसर फ्रेंड का आंसर 6 मीटर है। थर्टी सेवन पॉइंट दिया है मोस्ट कॉमन नोजोकॉमिनल इन्फेक्शन इज। फ्रेंड्स से पढ़े और इसका आंसर बताएं। इसमें लिखा है कि मोस्ट कॉमन नोजोकॉमिनल इन्फेक्शन इज। इसका राइट आंसर फ्रेंड ए है। 38 पॉइंट दिया है बॉडी पार्ट टू बी प्रेस्ड आफ्टर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन विथ विच सबस्टेंस। फ्रेंड्स से पढ़ें और इसका आंसर होता है। बॉडी पार्ट टू बी प्रेस्ड आफ्टर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन विथ विच सबस्टेंस। इसका राइट आंसर फ्रेंड ए है। 39 पॉइंट दिया है शुड बी द ड्यूरेशन ऑफ सक्शनिंग टू वेंटिलेटेड पेशेंट। फ्रेंड से पढ़े और इसका आंसर बताएं क्या होगा। इसमें पूछा है कि व्हाट शुड बी द ड्यूरेशन ऑफ सक्शनिंग टू वेंटिलेटेड पेशेंट। इसका राइट आंसर फ्रेंड बी है 10 से 15 सेकेंड। 40 पॉइंट दिया है प्रोसेस ऑफ सक्शन ऑफ द बेबी। फ्रेंड से पढ़ें और इसका आंसर बताएं क्या होगा। इसमें दिया है कि प्रोसेस ऑफ सक्शन ऑफ द बेबी।
इसका राइट आंसर फ्रेंड ए है, फर्स्ट माउथ देन नोज। 41 पॉइंट दिया है फ्रेंड से, पढ़ें और इसका आंसर बताएं क्या दी, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर फ्रेंड सी है। 42 पॉइंट दिया है, फॉलेंस नाइटिंगेल वॉज बॉर्न इन विच कंट्री। फ्रेंड से पढ़ें और इसका आंसर बताएं क्या होगा। इसमें दिया है कि फॉरेंस नाइटिंगेल वॉज बॉर्न इन विच कंट्री। इसका राइट आंसर फ्रेंड बी है, इटली। 43 पॉइंट दिया है फ्रेंड, द सेंटर फॉर सेलुलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजी इज सिचुएटेड एट। फ्रेंड से पढ़ें और इसका आंसर बताएं क्या होगा। इसका राइट आंसर फ्रेंड ए है। 44 पॉइंट दिया है, हेड क्वार्टर ऑफ आईएलओ इज सिचुएटेड एट। फ्रेंड से पढ़ें और इसका आंसर बताएं क्या होगा। इससे पूछा है कि आईएलओ का हेड क्वार्टर कहाँ पे है। इसका राइट आंसर फ्रेंड बी है। 45 पॉइंट दिया है, हु इज नोन एज लेडी विद अ लैम्प। इसका राइट आंसर फ्रेंड डी है। 46 पॉइंट में है फ्रेंड कि कैंसर डे सेलिब्रेट कब किया जाता है। When is World Cancer Day celebrated? A है 5 फरवरी, B है 7 फरवरी, C है 4 फरवरी एंड D है 9 फरवरी। इसका राइट आंसर फ्रेंड C है, 4 फरवरी। 47 पॉइंट में कह रहा है फ्रेंड कि वर्ल्ड हीमोफीलिया डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। फ्रेंड से पढ़ें और इसका आंसर बताएं क्या होगा। इसमें दिया है कि व्हेन इज वर्ल्ड हीमोफीलिया डे सेलिब्रेटेड। इसका राइट आंसर फ्रेंड ए है, 17 अप्रैल। 48 पॉइंट दिया है कि वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग डे कब मनाया जाता है। फ्रेंड से पढ़ें और इसका आंसर बताएं। ए है 1 अगस्त, बी है 1 मई, सी है 1 जून एंड डी है 1 फरवरी। फ्रेंड से पढ़ें और इसका आंसर बताएं। इसमें दिया है कि द व्हेन इज वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग डे सेलिब्रेटेड। इसका राइट आंसर फ्रेंड ए है, 1 अगस्त। फ्रेंड की वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे कब मनाया जाता है। फ्रेंड से पढ़ें और इसका आंसर बताएं। व्हेन इज वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे सेलिब्रेटेड। इसका राइट आंसर फ्रेंड सी है, 14 जून। 50 पॉइंट में दिया है फ्रेंड, व्हेन इज वर्ल्ड एड्स डे सेलिब्रेटेड। वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है। फ्रेंड से पढ़ें और इसका आंसर बताएं क्या है। इसका राइट आंसर फ्रेंड सी है, 1 दिसंबर। 51 पॉइंट में दिया है फ्रेंड, द राइपनेस ऑफ सर्विक्स असिस्ड बाय। इसका राइट आंसर फ्रेंड बी है। 52 पॉइंट दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉन्टेल इन चाइल्ड इज द फर्स्ट टू क्लोज। सबसे पहले बच्चे में कौन सा फॉन्टेल क्लोज होता है। इसका राइट आंसर फ्रेंड ए है। 53 पॉइंट दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन
would be administered for the stimulation of the uterine contraction. फ्रेंड्स से पढ़ें और इसका आंसर बताएं. Which of the following hormone would be administered for the stimulation of the uterine contraction? इसका राइट आंसर फ्रेंड ए है ऑक्सीटोसिन. 54 पॉइंट है. अर्ली एमनियोसेंटेसिस इज डन इन विच पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी. फ्रेंड से पढ़ें और इसका आंसर बताएं क्या होगा. इसका राइट आंसर फ्रेंड बी है 11 से 15 वीक. 55 पॉइंट है. एड्स इज नॉट ट्रांसमिटेड फ्रॉम मदर टू बेबी बाय. फ्रेंड से पढ़ें और इसका आंसर बताएं. इसमें दिया कि एड्स इज नॉट ट्रांसमिटेड फ्रॉम मदर टू बेबी बाय. ए है प्लेसेंटा, बी है स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, सी है ब्रेस्ट फीडिंग एंड डी है ऑल. इसका राइट आंसर फ्रेंड बी है स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट. 56 पॉइंट है. प्यूपेरियम इज द पीरियड आफ्टर. फ्रेंड से पढ़ें और इसका आंसर बताएं. इसमें दिया है कि प्यूपेरियम इज द पीरियड आफ्टर. इसका राइट आंसर फ्रेंड ए है डिलीवरी. 57 पॉइंट है. प्यूराइजेशन इज द प्रोसीजर यूज्ड टू प्यूरीफाई. फ्रेंड से पढ़ें और इसका आंसर बताएं. इसका राइट आंसर फ्रेंड सी है. 58 पॉइंट में दिया फ्रेंड की मलेरिया ट्रांसमिशन अकर्स बाय. फ्रेंड से पढ़ें और इसका आंसर बताएं. इसमें दिया है कि मलेरिया ट्रांसमिशन अकर्स बाय. इसका राइट आंसर फ्रेंड ए है वेक्टर बॉर्न. 59 पॉइंट है. विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन कैन प्रिवेंट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज. फ्रेंड से पढ़ें और इसका आंसर बताएं. इसमें देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन कैन प्रिवेंट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज. इसका राइट आंसर फ्रेंड डी है. 60 पॉइंट दिया है. ओरल वैक्सीन इज यूज टू प्रिवेंट. ए है ट्यूबरक्लोसिस, बी है मम्स, सी है पोलियो एंड डी है मीजल्स. ओरल वैक्सीन इज यूज्ड टू प्रिवेंट. इसका राइट आंसर फ्रेंड सी है पोलियो. फ्रेंड से पढ़ें और इसका आंसर होता है. इसमें दिया है कि व्हाट इज़ द एंटीडोट फॉर एन ओवरडोज ऑफ हेपेरिन. हेपेरिन का एंटीडोट क्या है. इसका राइट आंसर फ्रेंड ए है प्रोटामिन सल्फेट. 62 पॉइंट है. इसमें कह रहा है फ्रेंड कि जब बेबी का बर्थ होता है तो उसके शरीर में वाइट कलर का जो फ्लूड लगा रहता है उसे क्या कहते हैं. इसका राइट आंसर फ्रेंड बी है वर्निस कैसियोसा कहते हैं. 63 पॉइंट में दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटीडोट फॉर बीटा ब्लॉकर ओवरडोज. फ्रेंड्स यहाँ बी का मतलब बीटा ब्लॉकर है.
फ्रेंड्स से पढ़ें और इसका आंसर बताएं। इसमें दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटीडोट फॉर बीटा ब्लॉकर ओवरडोज। इसका राइट आंसर फ्रेंड डी है। 64 पॉइंट दिया है, व्हाट इज द एंटीडोट फॉर मैग्नीशियम सल्फेट ओवरडोज। फ्रेंड से पढ़ें और इसका आंसर बताएं क्या होगा। इसका राइट आंसर फ्रेंड सी है। अगर फ्रेंड आपसे एग्जामिनर परसेंट में पूछता है तो इसका राइट आंसर 10% है। अगर कैल्शियम एट्रोपिन इसमें पूछता है तो इसका राइट आंसर कैल्शियम ग्लूकोनेट है। पॉइंट दिया है, मॉर्निंग सिकनेस यूजुअली डिसअपीयर बाय द एंड ऑफ। फ्रेंड से पढ़े और इसका आंसर बताएं। इसमें दिया कि मॉर्निंग सिकनेस यूजुअली डिसअपीयर बाय द एंड ऑफ। इसका राइट आंसर फ्रेंड बी है, 3 मंथ। 66 पॉइंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटीडोट ऑफ फॉर ऑक्सीटोसिन ओवरडोज। फ्रेंड से पढ़ें और इसका आंसर बताएं। इसमें दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटीडोट फॉर ऑक्सीटोसिन ओवरडोज। इसका राइट आंसर फ्रेंड डी है। 67 पॉइंट है, व्हाट इज द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी की नॉर्मल ड्यूरेशन कौन सी है फ्रेंड। इसका राइट आंसर फ्रेंड बी है, 280 days। 68 पॉइंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटीडोट फॉर मॉर्फिन ओवरडोज। इसका राइट आंसर फ्रेंड ए है। 69 पॉइंट है, When is pregnancy post maturity considered? फ्रेंड से पढ़ें और इसका आंसर बताएं। इसका राइट आंसर फ्रेंड ए है, आफ्टर 42 week। 70 पॉइंट है, What is the duration of pregnancy in women? फ्रेंड से पढ़ें और इसका आंसर बताएं। इसमें दिया है कि What is the duration of pregnancy in women? 71 पॉइंट है, 10 नवंबर 2020 को कॉलिंस डिक्शनरी ने अपना वर्ड ऑफ द ईयर 2020 किसे चुना है। फ्रेंड से पढ़ें और इसका आंसर बताएं। 10 नवंबर 2020 को कॉलिंस डिक्शनरी ने अपना द ईयर 2020 किसे चुना है। इसका राइट आंसर फ्रेंड सी है, लखनऊ। 72 पॉइंट है, 14 नवंबर 2020 को किस राज्य सरकार ने कोरोना मरीजों के मुफ्त ट्रांसपोर्टेशन के लिए जीवन सेवा ऐप लॉन्च किया है। फ्रेंड से पढ़ें और इसका आंसर बताएं। इसमें दिया है कि 14 नवंबर 2020 को किस राज्य सरकार ने कोरोना मरीजों के मुफ्त ट्रांसपोर्टेशन के लिए जीवन सेवा ऐप लॉन्च किया है। इसका राइट आंसर फ्रेंड बी है, दिल्ली। 73 पॉइंट है, फ्रेंड से पढ़ें और इसका आंसर बताएं। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसमें दिया है कि 18 जनवरी 2021 को भारत में कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन है।
इसका राइट आंसर फ्रेंड ए है, मनीष कुमार। 74 पॉइंट है फ्रेंड्स, से पढ़ें और इसका आंसर बताएं। इसमें देखिए 27 जनवरी 2021 को हुनर हाट के 24वें संस्करण का उद्घाटन किस शहर में किया गया है। इसका राइट आंसर फ्रेंड डी है, लखनऊ। फ्रेंड ये जो डेट दी है इसमें भी आप लोग फोकस ज़रूर करिए क्योंकि इसमें डेट भी पूछ सकते हैं। सेवेंटी फाइव पॉइंट है किस राज्य सरकार ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन की शुरुआत की है। इसका राइट आंसर ए है, पंजाब। 76 पॉइंट है 23 जनवरी 2021 को चीन के कोविड-19 टीके को देने वाला पहला यूरोपियन यूनियन कौन देश बना है। फ्रेंड से पढ़ें और इसका आंसर बताएं क्या होगा। इसका राइट आंसर फ्रेंड ए है। 77 पॉइंट है 8 मार्च 2021 को 2 दिवसीय गुड़ महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है। इसका राइट आंसर फ्रेंड बी है, लखनऊ। फ्रेंड्स ये डेट दी है, आप लोग डेट एंड मंथ एंड ईयर पे भी फोकस करिए क्योंकि डेट और मंथ एंड ईयर भी पूछ सकते हैं। 78 पॉइंट है प्रतिवर्ष किस तिथि को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। इसका राइट आंसर फ्रेंड सी है, 1 जून। 79 पॉइंट है कि भारत में कोविड-19 का नया वेरिएंट मिला है जो विश्व के 44 देशों में फैल चुका है, इसे WHO ने क्या नाम दिया है। इसका राइट आंसर फ्रेंड ए है। 80 पॉइंट है विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है। फ्रेंड से पढ़ें और इसका आंसर बताएं, विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है। इसका राइट आंसर फ्रेंड बी है। 81 पॉइंट है फ्रेंड से पढ़ें और इसका आंसर बताएं। इसमें दिया है कि ICMR द्वारा घर पर कोविड-19 की जांच के लिए किस रैपिड एंटीजन टेस्ट की किट को मंजूरी दी गई है। इसका राइट आंसर फ्रेंड बी है। 82 पॉइंट है ESIC के नए महानिदेशक कौन बने हैं। इसका राइट आंसर फ्रेंड ए है। 83 पॉइंट है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान शुरू किया है। फ्रेंड पढ़ें और इसका आंसर बताएं। इसमें देख किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान शुरू किया है। इसका राइट आंसर फ्रेंड बी है। 84 पॉइंट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का नाम बदलकर क्या हो गया है। इसका राइट आंसर फ्रेंड सी है। 85 पॉइंट है कोविड-19 मरीजों के लिए आयुर्वेद का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन बना है। फ्रेंड पढ़ें और इसका आंसर बताएं कि कोविड-19 मरीजों के लिए आयुर्वेद का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन बना है। इसका राइट आंसर फ्रेंड सी है, गोवा। 86 पॉइंट हाल ही में IMF के 190 सदस्य के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ है। इसका राइट आंसर फ्रेंड ए है। 87 पॉइंट है निम्न में से कौन भारत रत्न नहीं है।
जिसका राइट आंसर फ्रेंड सी है। फ्रेंड इसे सॉल्व करें और इसका आंसर बताएं क्या होगा। इसका राइट आंसर फ्रेंड डी है। एटी नाइन पॉइंट है। ई डी बी का संबंध वाई एक्स जे से है, तो बी डी ई का संबंध किससे होगा। फ्रेंड्स इसे सॉल्व करें और फिर इसका आंसर बताएं क्या होगा। इसका राइट आंसर फ्रेंड बी है, जेड एक्स वाई। नाइन्टी पॉइंट है फ्रेंड कि 25 का संबंध 37 से है, तो 49 का संबंध किससे होगा। इसका राइट आंसर फ्रेंड सी है, 65। 91 पॉइंट है, नीचे दिए गए विकल्पों में से असमान संख्या खोजें। इसका राइट आंसर फ्रेंड बी है। 92 में पूछा फ्रेंड कि 6 मित्र ए बी सी डी ई और एफ केंद्र की ओर मुंह करके एक साकार घेरा बनाकर बैठे हुए हैं। ई डी से बाईं ओर है, सी ए और बी के बीच में बैठा है, एफ ई और ए के बीच में बैठा है, सी ठीक दाईं ओर कौन है, सी के ठीक दाईं ओर कौन है। फ्रेंड्स इसे सॉल्व करें, इसका आंसर बताएं क्या होगा। इसका राइट आंसर फ्रेंड बी है। 93 पॉइंट है, एक औरत की तरफ इशारा करते हुए राम ने कहा, यह मेरे पिता की बेटी की माँ है। राम उस औरत से किस प्रकार से संबंधित है। इसका राइट आंसर फ्रेंड बी है, भाई। 94 पॉइंट है, रमेश कहता है, आनंद की माता मेरी माता की एकमात्र पुत्री है। आनंद रमेश से किस प्रकार से संबंधित है। इसका राइट आंसर फ्रेंड डी है, भांजा। 95 पॉइंट है, तो फ्रेंड्स का आंसर क्या होगा, इसे सॉल्व करें और फिर इसका आंसर बताएं क्या होगा। इसका राइट आंसर फ्रेंड सी है, 27। 96 पॉइंट है, यदि 94 प्लस 16 इज इक्वल टू 42 है, 89 प्लस 23 इज इक्वल टू 78 है, तो 63 प्लस 45 इज इक्वल टू क्या होगा। फ्रेंड इसका राइट आंसर फ्रेंड सी है, 38। 97 पॉइंट है फ्रेंड, 9 का संबंध 50 से है, तो 50 के बाद में क्या आएगा। फ्रेंड 97 पॉइंट दिया फ्रेंड, इसे सॉल्व करें फिर इसका आंसर बताएं क्या होगा। इसका राइट आंसर फ्रेंड ए है। फ्रेंड 98 पॉइंट दिया है, आप इसे सॉल्व करें फिर इसका आंसर बताएं क्या होगा। इसका राइट आंसर फ्रेंड डी है, 785। फ्रेंड्स में देखिए 986 है, तो 8 पहले दिया है एंड 9 फिर 6 दिया है, इसी प्रकार 6 पहले फिर 7 8 है, उसी प्रकार फिर 7 आएगा फिर 8 फिर 5।
99 पॉइंट है। यदि MEAT को TEAM लिखा जाता है तो BALE को निम्न रूप में क्या लिखा जाएगा? फ्रेंड से पढ़ें और इसका आंसर बताएं क्या होगा। इसका राइट आंसर फ्रेंड डी है। 100 पॉइंट है। एक निश्चित कोड भाषा में सनलाइट को 64 है तो फ्लावर का 36 है तो सनफ्लावर का क्या कोड होगा? इसका राइट आंसर फ्रेंड बी है 81। फ्रेंड से 1 से 100 तक क्वेश्चन दिए थे SPGI से रिलेटेड। इसमें रीजनिंग, नर्सिंग एंड जनरल नॉलेज से क्वेश्चन दिए थे। तो फ्रेंड ये वीडियो कैसा लगा? अगर ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फ्रेंड मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।